हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बड़े खुश होंगे जी। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइटनिंग सीरम, विटामिन सी से वाइटनिंग सीरम बनाने जा रहे हैं। कि विटामिन सी जो है वो आपको पता है कि वो हमारे चेहरे को बहुत ज़बरदस्त शाइन और ग्लो देती है। यानी कि आप कुछ भी यूज़ जो आप करते हो, आप ये सारी चीज़ें भूल जाओगे जब आप ये वाला सीरम यूज़ करेंगे। तो विटामिन सी जो है ये अभी हम कहाँ से ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं ऑरेंज पील पाउडर से। ठीक है, ऑरेंज पील पाउडर से जो है ये हम टोनर नहीं, ये हम सीरम जो है ये प्रिपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, विटामिन सी जो है ये आपको पता है कि आपकी स्किन को ग्लो देता है और वाइटनिंग देता है, बहुत ज़बरदस्त सीरम है। तो चलें जी, हम सबसे पहले तो रेमेडी की तरफ चलते हैं और आपको मैं रेमेडी दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें जा रही हैं। चलें जी रेमेडी की तरफ चलते हैं। ये सीरम बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुलाब का अर्क 1 कप, और इसको मैं बड़े मग में डाल रही हूँ और इसी के अंदर मैं डाल रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर। ठीक है, 1 चम्मच जो है वो आप ऑरेंज पील पाउडर का डाल दें और इसको तकरीबन आधा घंटा आप भिगा रहे थे इसके अंदर, आधा घंटा इसको भिगो के रखा है और अभी इसको मैं बोतल के अंदर डाल रही हूँ और इसको छान के डालेंगे। इसको मैंने छान लिया, इसी के साथ जो है ये मैं ग्लिसरीन के 2 चम्मच डाल रही हूँ। इसी के साथ जो है ये मैं 4 विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल रही हूँ और ये 4 जो हैं ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ विटामिन ई के कैप्सूल। रेडी और कोई इसमें ज्यादा वो तामझाम वाला कुछ भी नहीं है, बहुत जबरदस्त रेमेडी है। सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे जी विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जो है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं ऑरेंज पील पाउडर से। ऑरेंज पील पाउडर जो है अभी तक देखे ऑरेंजेस का सीजन है, अगर आप ऑरेंज पील पाउडर घर पे बनाना चाहते हैं तो आप जो ऑरेंज के छिलके जिनको हम वेस्ट कर देते हैं, ऑरेंज खाते हैं और बाकी छिलके फेंक देते हैं, सो आप वो सारे जो छिलके हैं वो फेंके नहीं, आप उनको जमा कर लें और कोई मलमल का कपड़ा लें या कोई दुपट्टा वगैरह लॉन वगैरह का, आप उसके ऊपर जो है वो सारे छिलके जो है वो फैला दिया करें। ठीक है, बीच में से आपने बीज निकाल लेने और जो इसके छिलके हैं उनको फैला देना है आपने, और उनको किसी ऐसी जगह पर आपने रखना है कि जहाँ पर डस्ट वगैरह नहीं हो। तो कमरे में ही कोई ऐसी जगह हो तो वहाँ पर आप रख सकते हैं, और इनको ख़ास तौर पर बात के आपने इनको धूप में नहीं रखना, धूप में इनको नहीं रखना क्योंकि इनको हमने छांव में ड्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 दिन आप इसको रखोगे तो ये बिल्कुल वो खुश्क हो जाएंगे और एकदम कड़क हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर लो और ये बन गया ऑरेंज पील पाउडर। और इसको जब आप ग्राइंड करोगे तो उसके बाद आप इसको छानना, क्योंकि इसके अंदर जो है वो यानी कि ज़्यादा वो मोटे वगैरह इसके जो छिलके वो नहीं हो, पाउडर बन जाए बिल्कुल। ठीक है, फिर आप इसको रख दें और आप ये देखें ये साला साल आप यूज़ करेंगे और ये ख़राब नहीं होगा। और दूसरा ये कि इसकी खुशबू जो है वो बिल्कुल ऐसे रहती है जैसे अभी अभी आप ऑरेंज छील रहे हो, और ऑरेंज की जो इसके छिलकों की खुशबू होती है। ठीक है, जब कभी जब ऑरेंज का जो छिलका है वो सॉफ्ट होता है तो हम इसको पकड़ के ऐसे पुश करते हैं तो उसके अंदर से आपको पता है ऑरेंज का जो ऑरेंज ऑयल है वो निकलता है। तो अगर हम इसको ड्राई करके रख लेते हैं तो आप साला साल इसको यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ईजी मेथड है। आपको पता है कि ऑरेंज जो है वो तो तकरीबन मई जून तक आते रहते हैं। ठीक है, अभी तक भी ऑरेंजेस हैं, आप इनको ड्राई करके पाउडर बना के रख सकते हैं। और ऑरेंज के ऐसे बहुत सारे मैं फेशियल वगैरह बताती हूँ इसके ऑरेंज पील पाउडर से। अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है, सेम इसी तरीके से आप लेमन
पील पाउडर भी ले सकते हैं, ठीक है। सेम आप ऐसे ही लेमन के जो छिलके हैं, लेमन तो आपको पता है कि हमेशा होते हैं, पूरा पूरा साल लेमन चलता है, तो आप उसके छिलकों को जो है वो इसी तरह ड्राई करके पाउडर बना सकते हो। ये हो गया। और दूसरा अब हम बात करते हैं विटामिन ई जो यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। विटामिन ई जो है वो देखिए हमारी स्किन में, जब बहुत सारे लोगों की स्किन में खड्डे होते हैं, जैसे पिंपल निकलते हैं और पिंपल के ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद स्किन में खड्डे हो जाते हैं, ये जो विटामिन ई है ये हमारी स्किन को जो है ये प्रिपेयर करता है, इसको एक नए सिरे से एक नई लुक एक नई जान दे देता है और वो खड्डे जो है वो कवर हो जाते हैं विटामिन ई से, ठीक है। आप मैंने यहाँ पे विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं, अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, और अगर ऑयल मतलब हाँ ऑयल या यही कैप्सूल, आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। 4 कैप्सूल मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं और 1 कप जो है वो मैंने गुलाब का अर्क यूज़ किया है। अभी आप बोलोगे कि भाई अभी तो गर्मी आ रही है और ग्लैसरीन जो है वो चिपचिपी होती है, जी नहीं, ग्लैसरीन का मैं आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि ग्लैसरीन जो है वो हेलोरोनिक एसिड है, जिसके सीरम जो है वो आपको पता है कि मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये जो ग्लैसरीन है ये उसी का निर्मल बदल है, और जब हम ग्लैसरीन को जो है वो गुलाब के अर्क में डाल देते हैं तो वो चिपचिपाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब हमने इसको एक वो सीरम वाली जो शक्ल है इसकी, ये मैंने इस बोतल में डाल के रखा है, और आपने ये देखिए यहाँ तक है मेरी बोतल जो है वो काफ़ी बड़ी है। 1 कप जो है वो मैंने बनाया था इसका गुलाब का अर्क, ठीक है, 1 कप लिया था वो, और उसके अंदर जो है वो ऑरेंज के जो छिलके ऑरेंज पील पाउडर है सॉरी वो डाला था, ठीक है। और जो है वो आपको पता है कि थोड़ा सा वो ड्राई हो जाएगा जब आपने जो पील पाउडर डाला है वो थोड़ा सा जो है क्वांटिटी उसकी अर्क की जो है वो गुलाब के अर्क की थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कि वो बहुत ज़बरदस्त सा आपका ये जो है बनके विटामिन सी का जो सीरम है बनके रेडी हो गया, बीच में कहीं कहीं मैं भूल रही हूँ सॉरी, तो ये कि बहुत ज़बरदस्त ये सीरम आपका बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। और आप जब इसको यूज़ करोगे तो आप ये देखिए मैंने वाइट बोतल में रखा है, फ़िलहाल के लिए मेरे पास बोतल जो है वो वाइट है, लेकिन मेरे 1-2 दिन में मेरे पास वो अभी दूसरी एक बोतल है वो डार्क कलर की है, वो खाली होने वाली है तो मैं इसको उसमें शिफ्ट कर दूंगी। आपने जब भी इसको यूज़ करना है इसको अच्छे से ऐसे शेक करना है, ताकि आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो आपने वो ग्लैसरीन भी है और इसके अंदर विटामिन ऑयल जो है वो है, मतलब कैप्सूल है उसके, तो आपने इसको जब भी यूज़ करना है शेक करना है, और ख़ास तौर पे आपने इसको नाइट में यूज़ करें, डे में यूज़ करें, लेकिन जब आप नाइट में इसको यूज़ करोगे तो आपने अपने चेहरे को जो है वो अच्छे से फेस वॉश से साबुन से जो भी आप यूज़ करते हो आपने अपने फेस को वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद जो है आपने थोड़ा सा ये लेना है, थोड़ा सा जो है ये सीरम लेना है, ये थोड़ा सा लिया मैंने जी, इसकी क्वांटिटी जो है ये तकरीबन इतनी है। अगर आपने इसको मतलब कि अगर आपने इसको थोड़ा वो गाढ़ा करना चाह रहे हो, थोड़ा बिल्कुल थिक करना चाह रहे हो, सीरम की वो देना चाह रहे हो कि सेम सीरम की लुक आ जाए, तो आप इसके अंदर 1 चम्मच एलोवेरा जेल का डाल सकते हैं। कौन सा जेल होगा? वो जेल होगा मार्केट बेस का, मतलब ये वाला जो घर वाला जेल होता है आप वो नहीं डालोगे। और आप देखिएगा कि जब आप रात को इसको यूज़ करते हो और सुबह उठ के फेस वॉश करोगे तो आपके चेहरे पे जो एक नई लुक देखोगे आप, कि पूरा फेस जो है वो इतना कोई ग्लो कर रहा होता है और इतना ज़बरदस्त होता है। और ये ख़राब नहीं होगा, वैसे तो बेहतर है कि आप जो है इसको फ्रिज में रख देना, ठीक है, फ्रिज में रख दोगे तो ज़्यादा बेटर है, वैसे ये बाहर भी रखोगे तो ख़राब नहीं होगा, ठीक है, कोई भी इस तरह की तो इसके अंदर चीज़ नहीं है। और एलोवेरा जेल अगर आप डालना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैंने नहीं डाला, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप स्प्रे बोतल में भी डालो तो आप चेहरे पे स्प्रे कर सकते हो, जैसे हम लोग गुलाब के अर्क का स्प्रे करते हैं, तो ऐसे आप स्प्रे बोतल में भी डालोगे तो फिर आप देखिएगा कितना खूबसूरत आपका फेस हो जाएगा। विटामिन सी जो है वो टोटली जो है आपको पता है कि स्किन वाइटनिंग के लिए होता है और जितने भी डार्क स्पॉट हो जाते हैं उनके लिए होता है, और विटामिन सी आपके फेस को ग्लो देता है। और हाँ, मैं बात कर रही थी कि डार्क कलर की, क्योंकि आपको पता है कि जो विटामिन सी है वो लाइट कलर में नहीं रहता, थोड़े ही टाइम के बाद जो है इसकी पावर जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। अगर देखें जैसे मैंने वाइट बोतल में रखा है, लेकिन ये इतना ये नज़र नहीं आ रहा, मतलब बहुत पतली वाली वाइट बोतल नहीं हो, ये थोड़ी मोटी वाली वाइट बोतल है, ठीक है, उसके अंदर है,
तो आपने इसको, या मैंने तो इसको फ्रिज में रख देना है। तो फ्रिज में अंधेरा होता है, मतलब कि जब आप खोलोगे तभी लाइट ऑन होगी, वरना तो अंधेरा है। यानी कि अगर आपने रखना है तो आपने इसको, अगर लाइट कलर की किसी बोतल में भी डाल के रखते हो आप, तो आप इसको कोई डार्क जगह पे रखेंगे, जैसे कि जहाँ पे थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा रहता है। घर में बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे आप इसको सेफ करके रख सकते हो, अगर फ्रिज में नहीं रखते, बाहर रखते हो तो। और नहीं तो आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हो, और सुबह में यूज़ करें। फेस वॉश करते हो तो सुबह में इसको यूज़ करें, रात को यूज़ करें, दिन में जितनी दफ़ा भी आप अपना फेस वॉश करते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त सीरम है, आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट्स में आके बताया करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो भी, और जो लोग आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो जो है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। सो चलें जी, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।